गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 14 सुवचनानी। बच्चों, इस चैप्टर में 5 श्लोक दिए हुए हैं और एक एक श्लोक करके मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उनके अर्थ भी बताती हूँ। ध्यान दे के सुनिएगा प्लीज। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अगले भाग में, कराग्रे मतलब हाथ के अगले भाग में यानी कि अंगुलियों में लक्ष्मी जी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के बीच के भाग में यानी कि हथेली पर सरस्वती जी का वास होता है। और कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, और कलाइयों पर भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसीलिए सुबह सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए। दूसरा श्लोक है बच्चों, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सा बांधव। त्योहार में, विभिन्न कार्यों में अकाल पड़ने पर, शत्रु द्वारा संकट आने पर, राज दरबार में, शमशान घाट में जो आपके साथ खड़ा रहता है वही सच्चा संबंधी कहलाता है। परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जये तादृशम मित्रम, विश्वकुंभम पयोमुखम। परोक्षे मतलब आपके पीछे, यानी कि आपके पीछे आपके काम को बिगाड़े और आपके सामने प्यारा प्यारा बोले, ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग विष से भरे हुए घड़े के समान होते हैं। बच्चों, 3 श्लोक हो गया है, चौथा श्लोक में पढ़ के सुनाती हूँ आपको। सर्वकाले समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडितः, अर्धेन कुरते कार्यम, सर्वनाशो हि दुसः। बच्चों, इसका मतलब ये है कि संपूर्ण नाश होने पर, यानी सर्वकाले समुत्पन्ने, सारा कार्य समाप्त हो जाने के बाद जो आधा छोड़ दे वही पंडित कहलाता है। और इसी प्रकार सारा नुकसान होने से अच्छा है कि आपका अगर आधा देने से काम चल जाता है तो वह आपके लिए अच्छा होगा कि पूर्ण नाश से आप थोड़ा दे करके बचा लें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कहीं ज़्यादा हानि होने वाली हो, आपके बात करने से, आपके समझाने से या आपके कुछ देने से वह कम हो सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्म, शीलम सर्वत्र वैधनम। विदेशों में आपका धन आपकी विद्या ही होती है, और भोगों की प्राप्ति के समय में, उस समय यानी विभिन्न कार्यों में आपका धन क्या होता है, आपकी बुद्धि होती है। परलोके धनम धर्म, परलोके यानी कि मृत्यु के बाद दूसरे लोक में जाने पर आपके साथ आपके धर्म जाते हैं, यानी कि दूसरे लोक में जाने पर आपका धन क्या होता है, आपका धर्म, अच्छे कार्य जो आपने किए होते हैं। शीलम सर्वत्र वैधनम, और सज्जनता, शिष्टता, शीलता, ये सभी जगह धन माने जाते हैं। बच्चों, मैंने आपको ये 5 श्लोक के अर्थ बता दिए, आप लोग वीडियो को कई बार सुन लीजिएगा और मैं इसके अर्थ को एक पेपर में लिख करके उसका PDF बना के आपको भेजती हूँ, ठीक है, और उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों।